गाइस, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत तो ऑफिस से होंगे। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरी 9 की पढ़ाई चल रही है, बोर्ड के पेपर होने वाले हैं, बहुत टफ पढ़ाई चल रही है। साथ में चूज़ों का जो है ना, चूज़े पाल रहा हूँ। दो चूज़े लाया था मैं, ये देख सकते हैं, अभी दो चूज़े लाया था। एक चूज़ा माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया, फार्मी चूज़े हैं ये, पता नहीं फार्मी चूज़े। मैंने इसके लिए घर बनाया, मेरे भाई ने मिलकर तकरीबन इसने साथ दिया, ये वाला घर बनाया। चूज़ों के साथ ही मेरी मसरूफियत चली और ज़्यादातर मेरी पढ़ाई चल रही है। और आप जानते हैं कि पढ़ाई कितनी टफ होती है। पढ़ाई के साथ साथ इस चूज़े को देखना, फिर इसका खाना मैं ला के दिखाता हूँ आपको। चूज़े इसकी, ये वाला एक बाजरा देता हूँ मैं इसको, ये वाला एक बाजरा देता हूँ उसको मिक्स करके, ये वाला एक बाजरा देता हूँ। अब देखें मैं आपको इनको खाना दे के दिखाऊँगा। इसको थोड़ा सा पहले हम यहाँ डालते हैं। ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं इसको बस इसकी एक वक्त की खुराक देता हूँ। वो वाला बाजरा बहुत शौक से खाता है, इसलिए वो वाला ज़्यादा देता हूँ। आप देखें, अभी देखिएगा कैसे टूट पड़ेगा। ये देखें, अभी मैं इसको बुलाता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कितने शौक से खा रहे हैं। मैंने इस पिंजरे से इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है, बड़े शौक से खा रहे हैं। अब मैं इसको आपको पूरे पूरे दिन की इसकी लाइफस्टाइल में आपको शेयर करा करूँगा, जैसे कैसे खाना खाता है, कितनी खुराक देता हूँ मैं इसको ब्लॉगिंग में, इसको कितना चाहिए होता है खाना। माशाल्लाह से खा रहा है पेट भर के, और जब खा लेगा फिर मैं आपको उसका पेट चेक कराऊंगा। रात को और दिन को आप देना चाहें, रात को दे दें, वरना दिन में उठते के साथ ही इसको पानी ज़रूर पिलाएं, वरना इसकी सेहत अच्छी ग्रोथ नहीं करेगी। चले अब आए हम चूज़े की तरफ चलते हैं। तो गाइस माशाल्लाह से ये खा चुका है, आप देख लें इतना बड़ा लग रहा है माशाल्लाह से। अब ये तकरीबन सब खा चुका है, इसका आप पेट देख सकते हैं कितना मोटा हो रहा है। ये खा चुका है माशाल्लाह से, इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है ये, खुद माशाल्लाह इतना टैलेंटेड है कि खुद जाएगा अंदर। अभी देखें जंप कैसी करेगा। चलो ये देखें, इसका अंदर से घर भी देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत बनाया हमने, प्लास्टिक वगैरह लगाई है, टेपिंग वगैरह की है। इसके अलावा ये हो गया, हमने इसमें रखा हुआ था जब ये छोटा था, हमने इस पिंजरे में रखा हुआ था चूज़े को जब ये छोटा था। अब इसके लिए थोड़ा ना छोटा पड़ रहा, तो हमने बोला नया पिंजरा लाते हैं, वो 2500 रुपये के मार्केट में मिलते हैं, हमने सोचा वो लाते हैं। शायद मे बी पॉसिबल अगले ब्लॉग में आपको बड़ा पिंजरा मिले और चूज़े मिले इसके साथ। आपको सोचा है, हमने प्लान बनाया है कि और चूज़े लाए इसके साथ। ये हम दो लाए थे ना, पिंक और येलो, ये येलो है माशाल्लाह से जितना बड़ा हो गया। इनको हम आपको चला के अगर दिखाएं, अगर ये चले, ये देखिए आप माशाल्लाह से कैसे घूमता फिरता है। इसको बहुत पसंद है वाला पिंजरा, बचपन से इसकी यादें इसके साथ हैं, इसलिए अभी अंदर जाने ही घर है। अब ये इसका नया घर है। तो गाइस आज का ब्लॉग यही तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज का ब्लॉग यही तक, इजाज़त चाहता हूँ आपसे। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।